दोस्तों ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे, सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लेना है। नमस्कार दोस्तों, आज ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की शाम की खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। देखिए पूरा वीडियो देख लेना, आप लोगों को गहराई से एक सच्चाई भी हम बता दें। हाई कोर्ट में जो मैटर को लेकर के तमाम जो है यहां पर ग्रुपों में बातें चल रही हैं, जैसे कि एक मैसेज मेरे पास ये भी भाई बहनों के माध्यम से आया है, जिसमें लिखा है कि बहनों को अवगत करा दें कि आप लोग परेशान ना हो, आपके 62 वर्ष के केस की फाइल 10/9/2020 को कोर्ट में लग गई है तथा 5/11/2020 यानी 5 नवंबर को बहस लगी है, जिसकी रिट संख्या 15332 है, शशि वाजपेयी के नाम से है। आप लोग धैर्य से काम लें, भगवान की कृपा से सब ठीक होगा। माया सिंह कौसाम्बी, ऐसा मैसेज है। हो सकता है उन्होंने टाइप किया, किसने किया, फिलहाल हमारे तक जो आया है वो उनके ग्रुप में जो भाई बहन जुड़े होंगे उनके माध्यम से हम तक आया। अब इसकी सच्चाई थोड़ी और आपको बता दें, इसी संबंध में हमारे पास कुछ और भी मैसेज है और इसका थोड़ा ग्रुप में अभी शाम को मैंने देखा है तो एक अनिल प्रताप सिंह भाई है, उन्होंने माननीय गिरीश कुमार पांडे जी से डायरेक्ट बात की और उसमें उन्होंने उनसे जो पूछा है रिट के बारे में, तो उन्होंने यह नहीं कहा कि अभी रिट तक पड़ी है या कुछ भी है या कोर्ट में तारीख लगी है, उसके बारे में उन्होंने साफ साफ जो है मना ही किया है, यानी साफ साफ कुछ बताया नहीं कि अभी ये मैटर क्या चल रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सब क्या चल रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है ये हम भी नहीं बता सकते, लेकिन ये चर्चाओं में ग्रुपों में चल रहा है जिसमें कुछ सच है कुछ झूठ है, लेकिन आप लोगों को इसको साइड में रख देना। देखो एक और मैसेज है कि 62 वर्ष के रिटायरमेंट का हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में रिट याचिका संख्या 15332 10/7/2020 को शशि वाजपेयी आदि के नाम से लगी है, कोरोना के कारण कोर्ट में सुनवाई टालकर 5/9/2020 हो गई है, ईश्वर चाहेंगे तो कुछ जो है अच्छा ही निर्णय आएगा, जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ माधुरी सिंह। तो ये ऐसे कुछ मैसेज टहल रहे हैं। अब इन मैसेज को लेकर के काफी भाई बहन परेशान हैं ग्रुपों में भी, वो सोच रहे हैं ये सही है या गलत है। और इसी बीच जो है एक अनिल प्रताप सिंह भाई जी का मैंने मैसेज पढ़ा है शाम को और उन्होंने कहा है, उसमें लिखा भी है कि हां गुरु जी से बात जो बात हुई है, उन्होंने बताया है कि जो एक तथाकथित जो कुछ लीडर है वो गलत सूचनाएं देते हैं जिसमें अन्य जिला अध्यक्षों को गलत सूचना से परेशानी हो रही है, इसीलिए वार्ता से सस्पेंस वगैरह क्लियर हो सके तो उन्होंने गुरु जी से बात की है और उन्होंने कहा है, उसमें साफ साफ सुनाई दे रहा है लगभग 1:14 की गुरु जी के साथ उनकी वार्ता जिसमें हुई है, तो वहां पर साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा कि आगे इस याचिका को लेकर के या कोर्ट में सुनवाई लगी है 5 को या नहीं। अब आगे बताना चाहेंगे एक ऐसी खबर जो आप लोगों को चौंका करके रख देगी, ये है माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश के। आइए देखते हैं, सीएम की सभा में नहीं आ रहे लोग, यानी मुख्यमंत्री जी की सभा में रैली में लोग ही नहीं जा रहे, भीड़ जुटाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को भी वो बुलाए हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे, खंडवा विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी जोर शोर से जो है जनसंपर्क में जुट गई है। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को खंडवा जिले की जो है मंधाता वगैरह विधान सभा पड़ती है वहां के क्षेत्र में जनसभा की है और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल के समर्थन में प्रचार वगैरह किया है। बताया जा रहा है कि इस जनसभा के लिए शहर भर से जो है आपको बताना चाहेंगे लोग इकट्ठा किए गए हैं। जो ये आप देख रहे हो ये आंगनबाड़ी आपकी बहनें हैं और आप लोगों को बता दें सरकार की अधिकारियों की होशियारी देखो, इनको यदि किसी अच्छे काम के लिए बुलाया गया होता तो इनको ड्रेस में जाना चाहिए था, लेकिन ड्रेस में अगर हमारी बहनें जाती तो ऑटोमेटिक मीडिया वाले देश जान जाता कि आंगनबाड़ी बहनें जा रही हैं भीड़ जुटाने के लिए। अब यहां पर आपको पूरी सच्चाई बताएंगे बाद में मैटर क्या हुआ, पहले तो बहनों को सिंपल ड्रेस में बुला लिया गया, फिर उस पर काफी बवाल मचा, जैसे इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को भी इसका हिस्सा बनाया गया है, जिनका मुख्य कार्य कुपोषण को दूर करना, पोषण आहार का मासूम बच्चों तक पहुंचाना और उन्हें आंगनबाड़ी तक लाना, उन्हें सिविल ड्रेस में भेजा गया, जबकि जो है यहां पर उनके पास विभाग की ड्रेस भी है। कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का कहना है कि जब हमें ले जाया जा रहा था तो हमारे विभाग वगैरह लिखा है कि ड्रेस में क्यों नहीं हमको बुलाया गया, हमारा उपयोग केवल भीड़ बढ़ाने के लिए हो रहा है जो गलत है, वहीं इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन भी देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि आपको दिखा दे शक्ल, ये देखो ऐसे बसों में बहनें हमारी बैठ करके ले जाई गई हैं, एक जो है एक सीट पर दो दो लोग देख लो आराम से बैठे हैं, तो ये COVID-19 के नियमों का उल्लंघन करवाया गया, इनको वहां पर ले जाया गया, जिन अधिकारियों ने इनको आदेश दिया है उनकी लापरवाहियां कमियां हैं, उनके ऊपर भी जांच होनी जरूरी है। क्यों? क्यों
क्योंकि अभी देखो अधिकारी अपनी बातों से पलट गए हैं, उनको भेजने के बाद पलट गए, अभी बताएंगे। तो यहां पर लिखा हुआ जहां चुनावी सभा के लिए भेजी गई कार्यकर्ता और सहायिकाओं में कुछ के जो है छोटे बच्चे भी हैं, जिन्हें भी अपने साथ बेचारी लेकर के गई है। बताओ बच्चे हैं, उन्हें मजबूरन लेकर के गई है, अधिकारियों के कहने पर ही आंगनबाड़ी बहन जाएंगी। आगे बता दें, ये देखो इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों ने पल्ला भी झाड़ लिया। बाल विकास के बड़े बड़े अधिकारी अब क्या कह रहे हैं बाद में, उनका कहना है सभा में भीड़ जुटाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सम्मिलित होने को लेकर हरसूद की जो है परियोजना अधिकारी सुषमा चौरसिया ने बताया कि कार्यकर्ता और सहायिकाओं को वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर भेजा जा रहा है, उनकी ड्रेस का रंग बदलने वाला है, इसीलिए सिविल ड्रेस में भेजा गया। वाह, रंग बदलने वाला है का मतलब यह नहीं है कि रंग बदल गया है, रंग बदलने वाला है तो जो उनका पहले का ड्रेस है जो अभी तक वो पहन के जा रही है आप उसमें उनको भेजो, ना कि ये बहाना। ये बहाना आपका गलत है सिर्फ और सिर्फ पल्ला झाड़ने के लिए कि हमारे ऊपर सरकार कार्रवाई ना कर दे वरना दिक्कत होगी। तो ये देख लीजिए, महिला एवं बाल विकास विभाग की जो डीपीओ है अंशु बाला, उन्होंने जो बाला मसीहा, उनका क्या कहना है कि चुनावी सभा के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को भेजने के कोई निर्देश उन्होंने नहीं दिए, वे अपनी मर्जी से जो है आ सकती हैं, साथ ही विभाग की ड्रेस का रंग बदलने को लेकर अभी कोई तैयारी भी नहीं है। बताओ डीपीओ ये कह रहे हैं, बाल विकास परियोजना अधिकारी कुछ और कह रहे हैं, अब कैसे आप लोग बताओ। तो यहां पर सीडीपीओ ने अपनी मर्जी से कुछ भी जो है कह दिया, अब डीपीओ कह रहे हैं कि सीडीपीओ ने अपनी मर्जी से कह दिया। अब ये सब देखो सिस्टम चल रहा, अपने अपने जो है यहां पर जिम्मेदारियों से लोग भाग रहे हैं। आंगनबाड़ी बहनों को कोई शौक नहीं चढ़ा कि वो अधिकारियों की जो है नेताओं की रैली में जाएं, अपना बच्चा छोटा लेकर के वो भी इस ऐसी बस में बैठ करके जहां जो है इनको एक ही साथ इतने इतने लोगों को बैठा दिया गया, संक्रमण का कोई ध्यान नहीं रहा है, यानी प्रोटोकॉल पालन हुआ नहीं है कोविड 19 के नियमों का। तो ये सब चीजें हैं, अब इसमें आप लोग खुद अपने हिसाब से सोचो किस तरीके से जो है क्या मैटर चल रहा है। ऐसे ही सरकारें जो है सिर्फ अपना रैली में भीड़ बढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी बहनों को हिस्सा बना लेती, कहीं भी कार्यक्रम चले तब भी आंगनबाड़ी को बुला लो। आगे देखो गाजीपुर जनपद में एक लेटर जारी हुआ है, काफी आप लोगों के काम का है। अभी देखा आपने मध्य प्रदेश से, अब देखो आप उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 23 तारीख कल ही यह लेटर निकला है, चिकित्सा अधिकारी लोगों को गया है और सीडीपीओ लोगों को गया है। इसमें लिखा है विशेष संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अर्बन आशा एवं एएनएम और आंगनबाड़ी का प्रशिक्षण के संबंध में, जो आपका 1 अक्टूबर से लगा करके आपका पूरे 31 अक्टूबर तक, यानी पूरे अक्टूबर महीने भर आपका जो संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलेगा उसी के संबंध में आज जो है 11 बजे बैठक हुई होगी, प्रशिक्षण मिला होगा और कल 25 तारीख है, कल भी जो है गाजीपुर जनपद में आंगनबाड़ी बहनों, आशा बहनों, एएनएम बहनों को प्रशिक्षण वगैरह दिया जाएगा। अगले महीने से यानी 1 अक्टूबर से सारी चीजें आप लोगों की होना शुरू हो जाएंगी। ऑल इंडिया ने पूर्व में कई आदेश इसके बताए हैं। अब आगे बता दें और जानकारी, जैसे सुधांशु बेटा जो पहले से ट्रेंड है उन लोगों का क्या होगा प्री प्राइमरी में। बहन का कहना है कि जैसे मान लो कोई बहन ट्रेंड है, ट्रेंड होने का मतलब आप बहन ये समझती होंगी कि आप पढ़ा सकती हैं या और बहनें हैं जो पढ़ा सकती हैं वो ट्रेंड है, ये ट्रेंड नहीं बोला जाएगा कि आप उसके लायक हैं। प्रशिक्षण एक जो है जिम्मेदारी समझो या यूं समझो कि एक कार्रवाई है, पूरी तरीके से उसको फॉलो करना होगा, वो पूरी करनी होगी। आप चाहे जितनी पढ़ी लिखी हो, चाहे जितना आप ट्रेंड हो, लेकिन प्रशिक्षण पूरा करना होगा। और इंटर पढ़ी हो या फिर आप ग्रेजुएशन पढ़ी हो, आप चाहे जितना आपको आता हो उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रशिक्षण में आपको कुछ ना कुछ सिखाया ही जाएगा कि कैसे क्या बदलाव हुए, क्यों हुए, क्या इससे लाभ होगा, क्या हानि होगी, कैसे आपको अपने पढ़ाने के जो है तौर तरीकों में बदलाव लाना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये आपका जो जैसे सवाल है ये बेसलेस कहा जा सकता है। तो बहन इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं कि जो ट्रेंड हो या ना ट्रेंड हो, देखो ट्रेनिंग सबको लेनी है बिना प्रशिक्षण, प्रशिक्षण एक भाई फॉर्मेलिटी समझ लो, उसको पूरा करना जरूरी है। आप ट्रेंड हो इसका प्रमाण क्या है आपके पास, कुछ भी नहीं ना। तो ट्रेंड अलग मैटर है, प्रमाण भी एक जरूरी है, जो प्रशिक्षण के आधार पर आपको प्रमाण पत्र भी थमाया जाएगा कि आपने ट्रेनिंग पूरी की है प्री प्राइमरी के लिए। तो आप समझ चुकी होंगी। आगे देखिए अगला मैसेज एक ये आया है, जैसा कि मैंने सुबह बताया था कि आंगनबाड़ी बहनें घर बैठे अपना अकाउंट में चेक कर सकती है पीएफएमएस के जरिए कि पैसा आया कि नहीं आया, यानी अंडर प्रोसेसिंग में जब पैसा लग जाता है तब भी आपको पता चल जाएगा, खाते में पूरी तरह से आता नहीं है तब भी आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर बता दें गलती बहुत सी बहनें क्या करें, देखो जिनको देखना आता है वो देख करके समझ गए, इस वही कहते ना समझदार के लिए सारा काफी, हमने उसने बताया भी है ये सब भरते चले जाओ, लास्ट में जब आपको कैप्चा भरना है तो कैप्चा को रिफ्रेश एक बार जरूर कर लेना, तब आप उसको सबमिट करना, फिर उसको कैप्चा दोबारा वाला भरना। लेकिन बहने जो गलतियां कर रही है मैं समझ रहा हूं। लिखा है भैया जी मैं गीता देवी पत्नी हृदय पाल और भदैया सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हूं, भैया जी सर्च करने पर यही लाल लाइन लिख करके आ रही है और क्यों। तो बहन ये एरर वगैरह आपका इसी संबंध में है, कुछ ना कुछ आप जो है इसमें भूल नहीं होगी और ये सब आप देख सकते हैं। तो ऐसे किसी ना किसी की परेशानियां है, कोई तो उत्तर प्रदेश का नहीं है वो भी चेक कर रहा, उसमें मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ दिखाई देगा। आगे देखो एक और बहन है राम कृपाल जी के नाम से, भैया जी नमस्ते, सब
सबसे नीचे वाला जो डालते हैं वो गलत आ रहा है, बता दीजिए प्लीज। तो हम आपको बता दें, नीचे वाला जैसे उनका कहना है हम आपको बता दें, देखो पेमेंट अकाउंट बाय नंबर वगैरह से है सब कुछ। तो यहाँ पर अकाउंट बैंक का नाम आपको भरना, जो भी आपकी बैंक है इसमें आप जो कैपिटल में या स्मॉल में जो भी लिखोगे 4, 6, 10 अंक अपने बैंक के नाम, तो पूरी बैंक का आप जो है आपका नाम आ जाएगा, तमाम बैंकें होंगी, आप अपनी बैंक सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद अकाउंट नंबर इसमें डालना, उसके बाद वही अकाउंट नंबर अपना दोबारा इसमें भर देना, और ये फिर उसके बाद में आपको ये जो लिखा होगा उसको तुरंत नहीं भर देना है। फिर यहां पर ये जो दिख रहा है आपको रेफरेंस करने का ऑप्शन है, इस पर जब आप टच करेंगे तो ये जो कैप्चा है ये पूरा बदल जाएगा, ये वाला बदल जाएगा, इसकी जगह पर जो नया आएगा वो भरना है, और फिर उसके बाद में जो इसमें भर देना है। फिर इसको भी ध्यान रखना है कि जो ई बनी है छोटी है तो छोटी ही भरनी है, ये नहीं कि कुछ बड़ा कुछ छोटा, और स्पेस कुछ नहीं दिए जाते हैं। तो ऐसे आपको सब भरना है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, इसमें भर दो, उसके बाद आप सर्च कर दो, बस हो जाएगा, टेंशन लेने बात नहीं है। और तब भी नहीं होता तो समझ लो आप कर नहीं पा रहे हो, आप गलती कर रही हो। आगे देखिए अगला मैसेज ये है, बिहार से हमारे भाई हैं, आज सुबह उत्तर प्रदेश से मैंने मानदेय के विषय में बताया, को और भाई बहनों ने बिहार में भी अपना चेक किया, तो बिहार में डीबीटी वाला उनका कहना है अंडर प्रोसेसिंग में पैसा दिख रहा है, और ये पैसा है मात्र 200 रुपया, किस चीज का है मुझे भाई नहीं पता है, अंडर प्रोसेसिंग में 200 रुपया बिहार में भी चल रहा है। ये पंजाब नेशनल बैंक में किसी भाई जो है बहन का अकाउंट वगैरह होगा, अम्ब्रेला जो है यहाँ पर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस की तरफ से यानी ICDS की तरफ से सब कुछ है, ये पैसा वगैरह जो आ रहा है 200 रुपया अंडर प्रोसेसिंग में यहाँ पर भी बिहार में भी दिख रहा है, उन्होंने भेजा है। तो आगे बताना चाहेंगे, आगे चलते देखो ये एक मैसेज और आया है, इसमें भैया मध्य प्रदेश में अभी तक अप्रैल से अगस्त तक का 5500 रुपए वाला जो पेमेंट है वो नहीं आया, अगस्त का पूरा पेमेंट बाकी है, जमा कराओ। तो भैया जमा कराओ, तो बहन मेरे, ये मेरे पास मेरे हाथ में नहीं है पावर कि मैं जमा कराऊं, जब उनको जमा करना होगा तब वो भेजेंगे, और जब जब जहां जहां मध्य प्रदेश में जिन जिन जिलों में पैसा आया है जब जब माह का, हमने वो आप लोगों को समय समय पर बताया, बाद में तो हम बता नहीं सकते कब कहां कितना कितना आया था, किन किन जिलों में आया था। तो आपको देखना है समय रहते अपनी सारी जानकारियों को डेली समय निकाल करके, और आप लोगों को जानकारी समय समय पर ही मिल पाएंगी। हम पीछे का क्या हो गया या आगे क्या होगा ये हम नहीं बता सकते, जो जिस दिन है आप उसको देखो, ये आपको सिर्फ सच्चाई पता चलेगी। आगे देख लीजिए अगला मैसेज ये है, नमस्कार सुधांशु जी, और मेरा मानदेय 14 माह से नहीं आया है, और मैं बासमती बिहार से हूं बोल रही हूं, और इसीलिए जो है यहाँ पर मुझे परेशानी हो रही है, आप जो यहाँ पर से गुजारिश है कि ऑल इंडिया न्यूज़ में जो जरूर शामिल करें। तो आपकी समस्या बड़ी है, 14 माह का आपको पैसा नहीं मिला, हो सकता है आप नहीं भर्ती की हो, या हो सकता है कि आप जो है पुरानी में ही हो, आपका किसी कारण रुका हो, तो आप इसके संबंध में अपने DPO से बात कर लो, उनसे अगर मैटर सॉल्व ना हो तो आप फिर DM के पास शिकायत कर लो, क्योंकि इस तरह की समस्याएं काफ़ी जगह अधिकारी जो है बना करके ही खुद रखे हुए हैं, और काफ़ी जगह जो है दिक्कतों के कारण भी हो जाता है, लेकिन अक्सर क्या होता है आंगनबाड़ी बहनों का जानबूझ करके रोका जाता है। अभी इस मैटर में हम आपको बहुत दिखाएंगे, जो पूरा वीडियो देख के जाते हैं उनको ही पता चलता है कि क्या क्या कहां हो रहा है, अभी हम आपको बहुत कुछ दिखाएंगे। अभी देखो एक और ये मैसेज है सवेश के नाम से लिखा है, सुधांशु भैया नमस्ते, मैं उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से हूं, और 2016 में विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उनका कहना मेरा खाता PFMS में दर्ज नहीं हो पाया, जिस कारण मेरा 32 माह का मानदेय रुक गया था, काफी प्रयासों के कारण 2019 में 8 माह का मानदेय दे दिया गया था, और जो है तभी से मानदेय आने भी लगा है, लेकिन शेष 24 माह का मानदेय अभी तक उनका बकाया, बताओ 2 साल का पैसा बकाया है। उत्तर प्रदेश की ये बहन है, उनका कहना है कई बार हम DPO सर से लिखित रूप से शिकायत कर चुके हैं लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन मिला है, क्या जन सूचना कहता है जानकारी मांग ले, बिल्कुल मांगिए, जो आपका अधिकार है उसका प्रयोग करो, अभी तक क्यों नहीं मिल पाया है, कृपया ऐसे उचित रास्ता बताएं, आपकी महान कृपा होगी। तो बहन हम और भी किसी की समस्या सेम है तो वो भी आप यही काम करो, आप DM को भी शिकायत करो, DPO के भरोसे मत बैठो, क्यों, क्योंकि हो सकता है DPO जानबूझ करके रोके हो या कुछ और मैटर हो या रुका हुआ होगा, कहां गया होगा वो इसकी जो है इसमें पढ़ना नहीं चाहते, आपकी समस्या सॉल्व नहीं कराना चाहते, अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते, तो जो भी मैटर होगा वो सॉल्व होगा। और बहुत से अधिकारी हैं जो समस्या देखते हैं लेकिन फिर भी उसका निराकरण नहीं करते हैं, तो शायद इससे आपको लाभ मिलेगा, और भी जो रास्ते आपको नजर आए वो भी आप कर सकती हो, जैसे और भी ऑप्शन होते हैं। तो यहां पर हम आपको यही बताएंगे कि आप पहले DM से मिलो और उनसे शिकायत पत्र दो और अपनी समस्याओं को थोड़ा गंभीरता से बताओ और उनको बताओ कि 2-2 साल का पैसा आखिर कहां जा रहा है। अभी हम आपको और एक कड़वी सच्चाई बताएंगे, एक निकल के आ रही उसके बारे में भी, पहले ये देख लीजिए आप लोग। ये बिहार से अमर जी भाई हैं, उन्होंने मुझे भेजा है दरभंगा वगैरह से, तो उनका ये कुछ कहना है कि आप सभी सेविका सहायिका बहनों को सूचित किया जाता है कि आचार संहिता देखते हुए दिनांक 25 सितंबर को परियोजनाओं पर 10 बजे से 4 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भूख हड़ताल धरना करें।
और संकल्प लें कि सेविका सहायिका विरोधी सरकारों को गद्दी से हटाने का काम करेंगे। 26 सितंबर से आंगनबाड़ी केंद्रों पर योगदान देकर हड़ताल तोड़ दें, ऐसा उनका कहना। पूनम कुमारी और गीता बहन और महामंत्री प्रदेश अध्यक्ष, आप देख लीजिए ऐसा मैसेज चल रहा है। तो बिहार में अब हड़ताल टूटने वाली है। आगे बता दें, बिहार का एक लेटर वो भी जारी हो गया, 300 का जो आप लोगों का पैसा बढ़ा था, जिसका एजेंडे का पत्र पहले आपने देखा था। अभी जो आपका विभाग की तरफ से 300 की बढ़ोतरी के लिए लेटर निकला है, वो भी आ गया है। कल शाम को मेरे पास आ गया था, आज तमाम खबरें हो गई तो मैं लगाना भूल गया हूं, कल आप लोगों को लेकर के वो आ रहा हूं। तो आगे देखिए भैया जी, जो है यहां पर पोषण अभियान वाली साइट है, उसमें फोटो ऐड करने में दिक्कत आ रही है। 2 GB फोटो ऐड हो रहे हैं और केवी वाले ऐड हो रहे हैं और फोटो नहीं हो रहे हैं, ऐसे उन्होंने पता नहीं क्या कहा। जीबी और केवी में फोटो कैसे खींचे बहन? जीबी में फोटो कभी नहीं बनती, चाहे जितना बढ़िया क्वालिटी का कैमरा हो, चाहे कुछ भी आ जाए, जीबी बहुत बड़ी चीज होती है। देखो एमबी में फोटो बनती है, पहली बात किसमें? केबी में। केबी होती है छोटी, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होती है आपकी एमबी। 2 MB की फोटो मांगी गई है आपकी, 2 MB की। तो आप लोगों को 2 MB से यदि ज्यादा की बन रही होंगी तो अपलोड नहीं होंगी। इसमें आपको क्या करना है, 2 MB की जो फोटो आपने खींची वह मानो ज्यादा की है, उसको कम कैसे करना है? तो उसको स्क्रीनशॉट आप उसका ले लो, ऑटोमेटिक 2 MB से वो कम हो जाएगी, कुछ केबी में हो जाएगी, और केबी में कितनी भी हो आप लोग उसको अपलोड कर दीजिए, आराम से हो जाएगी। यानी 2 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, केबी में हो चलेगा, एमबी में भी है तो 1 MB में की चलेगी और 2 MB की ज्यादा से ज्यादा चलेगी, 2 MB से जरा से भी ज्यादा होगी नहीं चलेगी। आगे देख लो, अगला मैसेज ये है, अफसरों ने अकाउंट जो है कंप्यूटर ऑपरेटरों के जो है 89 खातों में डाला है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का पैसा। ये देखो क्या खेल चल रहा है। तो ये है, कैंग ने पकड़ा है घोटाला, कैग लिखा हुआ शायद है या कैंग लिखा हुआ है, उन्होंने पकड़ा है घोटाला। 2014 से 2016 के बीच भोपाल रायसेन वगैरह में हुआ है ये बड़ा खेल। वहां पर अफसरों ने कंप्यूटर ऑपरेटरों के 89 खाते हैं उनमें जो है पैसा डाल दिया है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का। ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है ताकि बहन चक्कर काटती है, उनकी कोई सुनते नहीं अधिकारी, आश्वासन देते, जैसा कि पूर्व में मैंने कई बहनों की समस्याओं को भी लगा करके आज दिखाया है। तो ऐसे जो पैसा दूसरे ऑपरेटरों में भेज देते हैं, वहां से आधा जो भी 10-5 हजार उनको दे देते हैं, कंप्यूटर जो 6 हजार पाता है बैठ करके, अब बाकी पैसा अधिकारी फिर मांग करके उल्टा खा लेता है। कल को जब कार्रवाई होगी तो कहेंगे गलती से उनके अकाउंट में चले गए। ये होता है पूरा माजरा सिस्टम। मानदेय 6 हजार रुपए होता है ऑपरेटरों का और खातों में 1-1 लाख रुपए उनके ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ऐसे चलता है गोरख धंधा। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मेहनत का पैसा कहां पर अधिकारी भेज रहे हैं, इसका एक खुलासा आप लोग जान सकते हो। यहां पर यह खबर छपी, ज्यादा साफ नहीं नजर आ रही, वरना हम आपको पूरा मैटर भी पढ़ के बताते। दैनिक भास्कर में एक खबर भी छप के आई, आप लोग यहां पर देख भी पा रहे होंगे और यहां पर आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दिख रही होगी। आगे बता दें, इसमें देखो ये हमारे पास जो जानकारी आई, इसमें लिखा है अफसरों ने कंप्यूटर ऑपरेटर के खातों में डाला आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का वेतन, और मध्य प्रदेश से ये खबर है, मध्य प्रदेश भोपाल वगैरह से आप देख सकते हो। 24/9/2020 को ये आज ही खबर छपी हुई है, ये आप देख सकते हो, बड़ी खबर है। तो ऐसे ये सब सिस्टम चल रहा है। ऐसे देखो एक और बड़ी खबर है, पोषण सखी संघ ने मंत्री को सौंपा है ज्ञापन। झारखंड में प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ का प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष जो विजय कुमार है व प्रदेश उपाध्यक्ष सोनी पासवान है उन्हीं के नेतृत्व में राज्य के मंत्री समाज कल्याण विभाग महिला बाल विकास और विभाग को जो है जोबा मांझी जी से भेंट करके 9 सूत्री मांग पत्र वगैरह उन्होंने सौंपा है। इसमें मानदेय 15 हजार करने की मांग भी शामिल की है, पोषण सखियों को बीमा योजना से जोड़ने के लिए, ड्रेस कोड लागू करने के लिए सब कुछ जो उन्होंने कहा है, 50% आरक्षण भी जो है सेविका नियुक्ति में भी दिया जाए, इसकी भी मांग उठी है। तो ऐसे सब कुछ सिस्टम निकल के आ रहा है। आगे बता दें, सबनम सोरेन बहन है, उन्होंने मुझे यह जानकारी झारखंड से भेजी है। आगे देखिए अगला मैसेज एक और है, ये एक बहन है, वो पहली बार हमें व्हाट्सएप पर मैसेज किए हैं और इसीलिए उनका आज हम पोषण कार्यक्रमों का फोटो दिखा रहे हैं। 26 ये हैं प्लस 3 एक्स्ट्रा ये, उसके ऊपर भी एक लगी है और उन्होंने ये सब कुछ भेजा हुआ है। और बहन का नाम शायद अंजू है या मीना है, ऐसे कुछ काफी नाम उन्होंने भेजे हैं, जो भी उनकी CDPO हैं, DPO हैं, वो सब भी उपस्थित रही हैं, बबीता हैं, गीता हैं, ऐसे काफी बहनें हैं। तो आपको बताना चाहेंगे केंद्र पर देखो कार्यक्रम अच्छे तरीके से मनाए गए, आप लोग जैसा कि देख भी पा रहे होंगे, लेकिन बहन ने फोटो सेम फोटो कम से कम 10-10 भेज दी है। ये देखो सेम फोटो, ये देखो सेम फोटो, ऐसे नीचे भी तमाम सब सेम ही फोटो हैं। बहन मैंने कई बार समझाया कि इस तरह से काम मत करो। अब यहां पर जो भी कार्यक्रम मनाए गए फिलहाल के लिए तो अच्छे हैं और हर जगह मनाए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह से यदि पोषण कार्यक्रम की फोटो हर बहन भेजेंगी, वीडियो भेजेंगी, उनको ही हम दिखाते रहेंगे, तो आपकी खबरें कब हो पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। आगे देख लीजिए, ये अच्छा लगा मुझे, तो हमने आपको दिखा दिया और उन्होंने मेहनत भी की और पहली बार हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ी है। तो जो पहली बार आ रहा है उसका हम एक बार जरूर कोशिश करते हैं ऑल इंडिया पर ले आए। उन्होंने ये वीडियो भेजा है, वीडियो हमने देखा है, वीडियो में कुछ ज्यादा खास है नहीं, और इसीलिए आगे देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हो मेहंदी वगैरह
योजना का जो कार्यक्रम चलता है पोषण अभियानों को मनाने को लेकर के, इसमें भी बहनें अपनी भागीदारी निभाती। मतलब जिस तरीके से विभाग चाहता है, सरकार चाहती है कार्यक्रमों को मनाओ, आंगनबाड़ी बहनें सेम वैसे ही कार्यक्रमों को अपना मनाती हैं लगन से। आगे देख आप लोग देख पा रहे होंगे, ये काफी फोटो देखो बहन ने मुझे भेजी थी, तो आज आप लोगों को बताना चाहेंगे ये कैसा लगा। मधुबाला दरअसल बहन है हमारी और उन्होंने ये जानकारी सभी मुझे भेजी है। तो उम्मीद करते हैं आज शाम का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा कि कैसे आंगनबाड़ी बहनों का पैसा अधिकारी रोक लेते हैं, फिर उसको भुगतान नहीं करते और कहां कहां दूसरी जगह अकाउंटों में भेज देते हैं और चेकिंग तो कभी होती नहीं है। डीपीओ को बहने आज कुछ कहती है लिखित में, तो वो सिर्फ आश्वासन झूठा दे देते हैं, कार्रवाई कुछ नहीं करते, मानदेय नहीं भेजते। आंगनबाड़ी बहने डीएम के पास जाती है वो भी सुनते नहीं है। ऐसे ही जो है सब चलता रहता, नीचे से ऊपर तक जो है कालाबाजारी ही चल रही है। आंगनबाड़ी की मेहनत का पैसा बड़े बड़े अधिकारी लूट करके खा रहे हैं और आंगनबाड़ी बहने दो दो साल से अपने मानदेय के लिए काफी बहने जो है वो तरस रही है। आखिर इनकी परेशानी जो है कैसे सॉल्व होगी, अपने आप में एक सवाल है। जाएं तो ये कहां जाएं, सरकार भी इनकी सुन नहीं रही है, अधिकारी भी इनकी सुन नहीं रहे हैं, झूठा शासन देके भगा देते हैं, तो ये आखिर क्या करें। इनकी ही मेहनत का पैसा जबरन जो है हक छीना जा रहा है, इस पर वहां के यूनियनों को संज्ञान लेना चाहिए और यूनियनों को अपनी ताकत को भी बढ़ाना चाहिए। वो हर एक बहन को अपने आप से जोड़े और अच्छे तरीके से उनके छोटी छोटी समस्याओं को आगे उठाएं, तब शायद इनका कभी भला हो पाएगा। अन्यथा या फिर बहनें ही अपने ब्लॉकों पर अपनी यूनिटी बनाओ। यूनियन पर आप यदि भरोसा नहीं करती तो आप अपनी ही यूनिटी बनाओ। यूनियन जरूरी नहीं होता है, आप यदि इकट्ठा हो जाओ चार लोग तो वो खुद में अपने आप में यूनियन हो जाता है। तो ऐसे में आप अपने हक के लिए खुद ही लड़ सकती हो, यूनियन की जरूरत भी नहीं है। फिलहाल जो भी आपको जैसा लगे, ताकत चाहिए तो आप जो भी सोचो, और आप इसके लिए सोचना थोड़ा बहुत, क्योंकि समस्याएं ये कभी कम हो